हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है ये एक सॉल्यूशन वीडियो है जिसमें मैक्सिमम यूज़र को एक प्रॉब्लम आता है कि जब वो कोटेशन टेली के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसको कंपलसरी सेल्स ऑर्डर को इनेबल करना पड़ता है, और सेल्स ऑर्डर को इनेबल करने के बाद जो भी आपके कोटेशन बनते हैं वो ऑप्शनल में होते हैं, तो उसका जो नंबरिंग स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन आना चाहिए वो भी नहीं आता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। और सेल्स ऑर्डर इनेबल करने के बाद आपको हर बार जो सेल्स एंट्री करोगे तो उस टाइम पे आपको ट्रैकिंग नंबर भी बार बार सिलेक्शन करना पड़ता है। तो इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें कोटेशन का आप अलग से एंट्री कर पाओगे, उसका कोई आपको ट्रैकिंग नंबर का कोई ऑप्शन आपको सेल्स एंट्री करने के टाइम पर नहीं आएगा, उसका जो नंबरिंग भी होगा वो ऑटोमेटिक आपको वन बाय वन जो भी आप जिस तरीके से एंट्री करोगे, जैसे हमारा सेल्स में ऑटोमेटिक नंबर चेंज होता है वैसे नंबर भी चेंज होगा, आपका फॉर्मेट भी प्रॉपर प्रिंट आउट आएगा, और उसमें जो कोटेशन का टाइटल आता है, कोटेशन नंबर आता है वो भी प्रॉपर आएगा। तो इसके लिए आपको कोई भी सेल्स ऑर्डर वाउचर टाइप इनेबल करने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप नहीं तो कोई इसका अकाउंटिंग इफेक्ट आएगा और नहीं तो कोई इन्वेंटरी इफेक्ट आएगा, और आपका कोटेशन भी ईजिली आपका मेंटेन होगा। तो यहाँ पे मैंने एक कोटेशन का पूरा सेटअप कर दिया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये मेरा पूरा कोटेशन का सेटअप है, और इसका अगर मैं आपको प्रिंट आउट करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे कोटेशन टाइटल आ रहा है, उसका कोटेशन नंबर का टाइटल आ रहा है, जो हमारा फॉर्मेट होना चाहिए वो प्रॉपर फॉर्मेट भी आ रहा है, जो HSN है, टैक्स रेट है, क्वांटिटी है, रेट है, और इसका ये जो आइटम है इसका अगर मैं कोई इन्वेंटरी इफेक्ट दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो, और माउस वायरलेस माउस है तो इसका कोई भी मेरा इन्वेंटरी इफेक्ट 13 तारीख में नहीं आएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अगस्त में कोई भी एंट्री का कोई इफेक्ट नहीं है, तो मतलब इन्वेंटरी या अकाउंटिंग कोई भी इफेक्ट उसका नहीं रहेगा। और अभी मैंने दो कोटेशन बनाए, लास्ट कोटेशन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2 नंबर का था, अभी मैं अगर वाउचर टाइप में जाके अगर कोई एंट्री करूँगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कोटेशन में नंबरिंग भी ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, नंबरिंग भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने 3 नंबर का कोटेशन बना दिया, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऑटोमेटिक 4 नंबर भी आ रहा है, और इसका आपको अलग से एक पूरा रिपोर्ट मिलेगा कोटेशन का। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने एक कोटेशन बनाया था उसका भी मुझे यहाँ पे रिपोर्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल काम करता है, आप में से कोई भी इसका डेमो चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उन नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियो बनाता रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नंबर के साथ, तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।